एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, आज की वीडियो भी होने वाली है ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो। एंड स्पेशली आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि लॉन के ड्रेसेस जो है उनकी डिज़ाइनिंग शेयर करें, ईद से रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा उसमें फंकी टच भी हो, लॉन भी हो, गर्मी है। वैसे तो मैं गर्मियों में, जो गर्मी हो या सर्दी हो, तो ईद वाला टच जो है मैं हमेशा रखती हूँ। एंड स्पेशली टीनएजर और छोटी बच्चियों का, तो मेरी वीडियो आज होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ टीनएजर गर्ल का डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन फॉर ईद। और छोटा 5 to 6, 7, 8 ईयर्स की बच्चियों का भी ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूंगी ईद से रिलेटेड, ठीक है। और अपना भी शेयर करूंगी। तीन डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, एक ग्रोन अप गर्ल कह लें, लेडी कह लें, और एक टीनेजर गर्ल और एक छोटी बच्ची, ठीक है। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो सब जानते हैं कि मेरी दो बेटियाँ हैं, तो उन दोनों के ड्रेस डिज़ाइन और अपने ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूंगी मैं। यस, कमेंट करना मत भूलिएगा, आप और किस तरह के डिज़ाइनिंग चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आइडियाज़ मिलते रहें। मुझे ऑलरेडी आप लोग इतने आइडियाज़ देते हैं, थैंक यू सो मच उन सबके लिए, आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन नंबर 1 से, जो कि है जानू का, छोटी बच्चियों का। तो जी जनाब, ये रहा जारू का ड्रेस जो है लॉन मटेरियल पे। ये मैंने कट पीसेस लिए थे और मुझे ना दोनों सेम कलर्स में मिल गए थे। दोनों के प्रिंट अलग हैं, गरारा के और फ्रॉक के, लेकिन दोनों बड़े फिट लग रहे थे। और ये जब मैं लेके आई थी तो बहुत सिंपल था, मैंने इसको बनाना था ईद के लिए, तो मैंने इस पर ऐड कर दिए गोटा लप्पा, ठीक है। और इसका फ्रॉक जो है वो थोड़ा सा मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाया, मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। जैसे ये देखें, इस तरह ये फ्रॉक के ऊपर मैंने चौड़ा लप्पा लगा दिया। आपको गोटा आराम से कहीं भी सस्ता मिल जाता है, और ये कट पीस मुझे मिले थे जो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन आप ये देखें बनने के बाद ये कितना अच्छा और डिजाइनर लुक दे रहा है, ठीक है। इस तरह गरारे के ऊपर भी मैंने गोटा पट्टी लगा दी 3 स्टेप में, ठीक है। और ज्यादा मैंने खुला नहीं रखवाया, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं ना कि उनके पाओं में अटकता है, वो फिर तंग होते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रॉक के बॉर्डर के ऊपर जो है वो मैंने 3-3 लप्पे के जो है वो पूरे घेरे पे गोटा लगवा दिया। अंगरखा स्टाइल भी आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि अंगरखा जो है वो आप बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को भी पहना, वो बच्चे पहने भी कंफर्टेबल लगते हैं। और हल्की हल्की सी चुनट से दी ताकि उसमें थोड़ा सा घेर आ जाए, और ये बहुत ही प्यारा लगता है स्टाइल। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं कि आप लॉन पर बनाएं, ठीक है, आप किसी भी मटीरियल के ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक और बात कि ये जो डिज़ाइनिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर ही बनाए, बच्चों के कपड़ों पे भी, आप बड़े सूट के ऊपर भी ये डिजाइनिंग कर सकते हैं, बड़ी बच्चियों के लिए कर सकते हैं, बड़ी लेडीज भी अपने बनवा सकती हैं, बहुत फिट लगता है। बैक पे मैंने टसल ले लिया था जरा इसके ऊपर चुलबुला सा, मैंने बताया ना आपको ईद पे मैं जो हूं ना चुलबुले से कपड़े पहनती हूँ, और बच्चों को भी ऐसे ही पहनाती हूँ। इसी में से दुपट्टे का पीस निकल आया था, साइड पर मैंने गोटे की 2 लाइन्स लगवा दी, और ये रहा जारू का फाइनल ड्रेस। और जारू को यह कपड़ा जो है वो बहुत पहने हुए सूट कर रहा था, और जारू को ऐसे कपड़े पहनना भी पसंद है। शायद मैंने अपने बच्चों को भी इस तरह यूज़ टू कर दिया हुआ कि ईद है तो ईद पे यू हैव टू लुक चुलबुली, एंड यू नो एक वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो जो जलाते हैं, फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी लग रही है ना जारू इस वक्त। और जारू के लिए कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जारू के साथ इतनी मुश्किल से मैंने शूट किया, बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता, कभी उसका पाँव अटक रहा था, कभी बाजू फंस रहा था, कभी कुछ है, कभी कुछ, कभी मूड खराब हो रहा है, कभी प्यास लग रही है, लेकिन फाइनली मैंने इसका जो है वो शूट कर लिया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जारू कैसी लग रही है। और ये रहा फातिमा का टीनेजर गर्ल्स का, ये भी जो है अम्ब्रेला फ्रॉक है, उसके साथ मैंने गरारा स्टाइल किया, ठीक है। ये लॉन का मैंने सूट लिया था, ये 2 डिफरेंट मैंने कपड़ा लिया, ठीक है। एक तो प्रिंटेड आपको नज़र आ रहा है, प्रिंटेड कपड़ा लिया, ठीक है, उसके साथ मैंने प्लेन के साथ इसको मर्ज किया। अगर पूरा प्रिंटेड लेती तो वो एक ब्रांडेड और एक डिज़ाइनर लुक ना आती, ठीक है। और ये आप देखिए इसका कितना ज़्यादा फ्लेयर है। अब आपको मैं क्लोज में दिखाती हूँ, इसका भी मैंने अंगरखा स्टाइल बनाया, गोटियों की 3-3 लेयर्स लगा, लाइन्स लगा के, ठीक है, इस तरह से। और इसकी बॉडी बनी है, बॉडी का साइज़ जो है वो गले से लेके जहाँ पर एंड हो रही है उसका साइज़ है 16 इंचज तक। और इसकी जो कलियाँ आप देखें, एक प्रिंटेड है, एक प्लेन है, ताकि इसको जरा मैं जरा ना एक वो टच दे दूं, एक क्लासी सा टच दे दूं, ठीक है। और इसकी कलियां टोटल जो है वो 30 कलियां, प्लेन और प्रिंटेड को मिक्स करके, फ्रंट की 15 है और बैक पे भी 15 कलियां हैं,
इसी तरह इसके घेरे पे मैंने बारीक गोटी लगा ली है और जो एंड हो रहा है घेरा वहाँ पे मैंने चौड़ा गोटा लगा दिया। गोटा लगाने का मकसद ये ताकि ईद के लोग आ जाए, आप इसको शादियों वादियों में भी पहना सकते हैं बच्चों को। आगे मेरी फ्रेंड है, उसके भाई की शादी आ रही है तो मैं बच्चों को ये कपड़े पहनाऊंगी और आपको व्लॉग अगर आप मुझे कहेंगे कॉमेंट सेक्शन में तो वो व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और ये देखें ऐसे दो पट्टियाँ बारीक गोटे की और एंड पे चौड़ा गोटा, ठीक है। और ये गोटे जो है ना मजे के बाद बताऊँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई महंगी लेस नहीं है, वरना बहुत महंगी महंगी लेसेस भी मिल जाती है। इट्स ऑल इन द माइंड कि हाउ यू क्रिएट, ठीक है, किस तरह से आप क्रिएट करते हैं और किस तरह से अपना जो है ना डिज़ाइन सोच के और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कपड़ों के ऊपर। ये गरारा एंड पे भी एक बारीक गोटी और चौड़ा गोटा लगा दिया और गरारा फातिमा को जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जारू की तरह ही मैंने दो जो है वो आप देखें इसकी चुनट वाले जगह आ रही हैं, एक बारीक गोटी ये देखें ये इसकी लुक आ रही है, ठीक है। इस तरह से मैंने गरारा बनवाया, ये बहुत ही फिट लग रहा था। इसमें सिर्फ एक वो कहते हैं ना घुटने पर जैसे वो गोटा लगा के और नीचे से खुला हो जाता है, ऐसा नहीं था, मैंने दो जगह कराया। और ये इसके बाजू के ऊपर भी इस तरह मैंने बारीक जो है गोटी लगा के और आगे जो फ्रंट पे चौड़ा गोटा लगा दिया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ। आप यकीन करें जब ये फातिमा, ये बच्चों के ना लास्ट ईद के कपड़े हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इनकी डिटेलिंग बताएं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि इस दफा आपको हेल्प आउट कर सकें, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। अब फातिमा को जब ये फातिमा ने कपड़े पहने थे ना, फातिमा को हर एक ने पूछा था किस ब्रांड का है किस ब्रांड का, तो बस उसने यही कहा कि मेरी मम्मा के ब्रांड का, और बहुत यकीन करें लोगों को पसंद आया। बड़ी खुशी होती है जब इतने आप एफर्ट लगाओ, आप लोग पसंद करें उसको, फिर मेरी मेहनत पूरी हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ज़्यादा पसंद है या ऐसी वीडियोस पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर उस तरह से आपकी मर्जी का कंटेंट बनाऊंगी। साथ ही मैंने चुनरी का दुपट्टा, मुझे डाई हुआ मिल गया था, तो 200 रुपये का ये दुपट्टा था और ये सूट जो हो गया रेडी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट डिज़ाइनिंग के साथ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आपने भी अपनी बच्चियों का जब बनाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना है, मुझे बहुत खुशी होगी कि किसी ने मेरे डिज़ाइन को फॉलो किया और उसको अपने बच्चों के कपड़े बनवाए वैसे और मुझे जो है वो टैग किया, मैं मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पे मैं आपको कपड़े के बारे में बताऊंगी। फातिमा को जो प्रिंटेड कपड़ा है ना वो मैंने फुल सूट लिया था और जो प्लेन कपड़ा वो सिर्फ शलवार का कपड़ा लिया था और लोकल मार्केट से लिया था और नहायत ही सस्ता, जो आम दुकानों पर आपको लॉन के प्रिंटेड मिल जाते हैं कपड़े। तो ये रहा मेरा ड्रेस, ठीक है, और ये भी लॉन का ड्रेस है, प्योर लॉन का। ये जो कपड़ा है ये डाइएबल भी है, आपको इसको जिस मर्जी कलर में डाई करना चाहें आप करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑफ वाइट में ही रखा था। ये जिस शॉप से मैंने लिया था उस शॉप के कपड़े बहुत ही मुनासिब कीमत और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होती है, मैं उसके ऊपर भी व्लॉग बना दूंगी अगर आप मुझे कहेंगे तो, मैं इस शॉप का आपको विजिट करा दूंगी। इस तरह से इसका बोट शेप गला मैंने रखवाया, उसके ऊपर जो है कॉपर कलर में मैंने गोटियाँ लगवाई इस तरह से लाइन्स में और एंड पे आके इस तरह से उसको मैंने वी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बाजुओं के ऊपर भी मैंने चार चार पाँच पाँच जितनी भी लाइन्स है, कितनी है टोटल 6 लाइन्स जो है मैंने बाजुओं पे लगवा दी और इसी तरह जो है वो मैंने फ्रंट जो है इसकी जो गोटी लगी हुई है ना उसकी लेंथ बता देती हूँ आपको। ये गले से लेके ना एंड जो इसका हो रहा है वो 30 इंचेस है, ठीक है, फुल लेंथ आ रही है, नाफ तक जाता है, ठीक है, नाफ से भी थोड़ा सा नीचे मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा लंबे मतलब सामने गले के ऊपर लेसेज या गोटियाँ लगी हुई ना, तो ये 30 इंचेस का, ठीक है। शर्ट जो है लॉन्ग शर्ट स्ट्रेट शर्ट है, ठीक है, लेंथ शर्ट की 49 इंचेस है अकॉर्डिंग टू माई हाइट इज 5'4" तो मैंने 49 इंचेस की जो है वो शर्ट रखवाई। सिंपल घेरा 25 इंच का। जब मैं ये लेके आई थी ना मुझे ये बहुत पसंद आया था असल में इसका प्रिंट और कपड़ा ना, और मैं जब लेके आई थी फिर मैंने सोचा इसको मैंने ईद के लिए बनाना है तो क्यों ना इसके ऊपर गोटे लप्पे लगा के इसको ज़रा क्लासिक सा बना लें। ये बिल्कुल सादा और इसको सिलने के बाद इस तरह से गोटा ऐड करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ मैंने नेट का दुपट्टा ले लिया, उसके ऊपर भी मैंने जो है वो कॉपर कलर में गोटा लगवाया। इसके अंदर शर्ट के अंदर जो आपको सिक्के नज़र आ रहे हैं ना वो कॉपर कलर के थे, जिसकी वजह से मैंने कॉपर कलर का इसके ऊपर गोटा लगाया। ये आप लोग मेक श्योर करिएगा कि गोटा जो है ना वो ज़्यादा एक वो कहते हैं ना कि वो उभर उभर के आना वो मतलब वो नहीं अच्छा लगता, तो आप उसको देख के करिएगा ताकि वो मर्ज हो जाए। साथ इसके मैंने जो है वो प्लेन मेरा वाइट बॉक्स ट्राउज़र था जिसका पांचा है 15 इंच, लेंथ है 37 इंचेस की, ठीक है, प्लेन ट्राउज़र, ट्राउज़र पे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया। नेट का दुपट्टा ले लिया ज़रा इसको मैंने ईद की लुक दी, ठीक है, नेट का दुपट्टा मैंने लिया 3 मीटर का, ठीक है, मैं दुपट्टा जो है वो लंबा लेती हूँ, दुपट्टे लंबे लिए हुए अच्छे लगते हैं, वरना वो 2.5 इंच का ले लेना तो वो साइडों से उठे उठे होते ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
सकते। और साथ इसके बाजुओं की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो 18 इंचेस की है। बोट शेप जो मेरा होता है वो उसकी जो लंबाई होती है वो 11 इंच होती है, ठीक है। गहराई उसकी 3.5 इंच। मैं ज़्यादा गहरे गले पहनना पसंद नहीं करती, मोस्टली मेरे बोट शेप ही आप देखते होंगे, तो मैंने सोचा आपको दुपट्टा भी ओढ़ के दिखा दूँ। फुल बड़ा दुपट्टा 3 मीटर का, 3 गज होते हैं कि 3 मीटर, मतलब लंबा दुपट्टा। नॉर्मल दुपट्टे से मैं लंबा दुपट्टा लेती हूँ, ठीक है। तो ये रही आज की ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। और यहाँ पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टेलर का एड्रेस दे दें, मैं यहाँ पे टेलर का नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप कॉल करके खुद ही सारी उसे डिटेल ले लीजिएगा। एक कमेंट आया था जो मुझे बहुत मुझे डिस्टर्बिंग लगा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि टेलर का एड्रेस दे दें। मैंने कहा भाई टेलर ने मुझे अलाउ फिलहाल नहीं किया तो मैं कैसे बता दूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, कमेंट का जवाब आया कि टेलर है या प्राइम मिनिस्टर है। तो मैंने उनको कहा यार ऐसे थोड़ी ना किसी से बात करते हैं, जब कोई भी अलाउ करेगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी, मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, तो टेलर का नंबर शेयर करने में मुझे कोई मसला नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।